में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही फेमस प्लेस है, तो यदि आपको प्रोसेस जानना है, आप देहरादून में ही रहते हैं और आपको मालूम नहीं है, तो इस वीडियो से आपको पूरा प्रोसेस मालूम चल जाएगा। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देहरादून में ऐसा माना जाता है कि वहां पे कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना बहुत ही आसान है। वजह यह है कि बाहर के लोग भी वहां पे जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बहुत आराम से कर लेते हैं, सेफली कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देहरादून में जो प्रोसेस है मैरिज रजिस्ट्रेशन का, वो हालांकि तहसील में मिला हुआ, तहसील के पास जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, जो तहसील में मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, उनको यह अधिकार मिला हुआ है कि वो मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे कपल जो कि मैरिज करते हैं, उनका तरीका यही होता है कि पहले वो जाते हैं और अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लेते हैं, उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो यदि आप देहरादून के रहने वाले हैं, आप या आपकी पार्टनर देहरादून के हैं, या आपने वहां से शादी किया है, तो आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन देहरादून से करा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन तहसील में होगा। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये पूरी तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये करने के लिए सेम रिलीजन होना जरूरी है। ये प्रोसेस आप सेम रिलीजन में ही कर सकते हैं। अलग रिलीजन में अगर शादी करना है, अलग अलग रिलीजन में अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट फॉलो करना होगा और स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से ही आप शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक्ट है, तो इसमें आपको जो है लॉज बिल्कुल एक जैसे हैं सभी स्टेट में। 30 से 60 दिन का समय लगता है और इतने ही समय के अंदर आपका मैरिज परफॉर्म होता है, विदाउट रिचुअल होता है, घर पे नोटिस जाता है। लेकिन चाहे आप मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें, दोनों को करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एज पूरी होनी चाहिए। इसके बारे में क्या डिटेल्स है, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो, तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है, तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो, और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है, वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही
लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्प नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।